हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। आज हम बताने वाले नेपाल घूमने का खर्च और देने वाले इसकी पूरी जानकारी। वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना। मेरा नाम है विष्णु दैया, आप देख रहे हैं वर्ल्ड टूर हिंदी। तो वीडियो शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं नेपाल के बारे में। नेपाल दुनिया का एक बहुत ही खूबसूरत देश है जिसको दुनिया की छत के रूप में जाना जाता है। नेपाल एक प्यारा हिमालय देश है जो यहाँ आने वाले पर्यटकों को बेहद आकर्षित करता है। नेपाल आने वाले लोगों यहाँ की यात्रा कई कारणों से करते हैं, जैसे कि कुछ लोग यहाँ बड़े बड़े पर्वतों के आकर्षण में आते हैं, तो कई लोग हिमालय में चढ़ाई या ट्रेकिंग करने के लिए नेपाल में आते हैं। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो नेपाल की संस्कृति और यहाँ के खास पर्यटक स्थलों को देखने के लिए आते हैं। खूबसूरत पहाड़ की चोटियों के साथ साथ नेपाल बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए प्रमुख है, धार्मिक केंद्र भी है। नेपाल की सबसे खास बात यह है कि इस देश में अपराध की दर काफ़ी कम होती है, जिसकी वजह से यहाँ एक बहुत ही सुरक्षित पर्यटक देश माना जाता है। अब बात करते हैं नेपाल की करेंसी की। नेपाल में नेपाली रुपया चलता है और इंडिया के 2 रुपये नेपाल के 3 रुपये के बराबर होते हैं। अब बात करते हैं नेपाल घूमने का सबसे अच्छा समय कौन सा है। अगर आप नेपाल की यात्रा करने जा रहे हैं तो और यहाँ जानना चाहते हैं कि आप नेपाल जाने का सबसे अच्छा समय कौन सा है, तो आपको बता दें कि यहाँ की यात्रा करने के लिए सबसे अच्छा समय, अनुकूल समय सर्दियों का मौसम होता है। भले ही इस मौसम में नेपाल में कम तापमान और बर्फबारी होती है, लेकिन इसके बाद भी यहाँ नेपाल की यात्रा करने के लिए सही समय माना जाता है। बता दें कि नेपाल में सितंबर से मार्च तक सर्दियों का मौसम होता है और जुलाई से नवंबर तक यहाँ बारिश होती है। बरसात के मौसम में आप नेपाल की अधिकांश जगहों की सुंदरता का आनंद नहीं ले पाओगे। नेपाल में अप्रैल से लेकर जून तक गर्मियों का मौसम होता है, जो यात्रा करने के लिए अनुकूल समय नहीं है। अब बात करते हैं नेपाल के वीज़ा के बारे में। वैसे तो ज़्यादातर लोग जानते हैं कि नेपाल का वीज़ा नहीं लेना पड़ता, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं उनको हम बताना चाहते हैं कि आप नेपाल में जाने के लिए कोई आईडी प्रूफ ले जाना ज़रूरी है, जैसे कि आधार कार्ड या कोई भी आईडी प्रूफ। अब बात करते हैं नेपाल कैसे जाए। नेपाल जाने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप हवाई मार्ग, बस, आपकी कोई भी व्हीकल से नेपाल जा सकते हैं। हम आपको बता दें कि नेपाल में फ़्लाइट से कैसे जाए। इसके लिए आप भारत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सीधी काठमांडू के लिए उड़ान ले सकते हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित एयरपोर्ट का नाम है त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो शहर से सिर्फ 6 किलोमीटर दूर है। लेकिन हवाई यात्रा करते समय इस बात का ध्यान जरूर रखो कि मौसम बदलने की वजह से नेपाल में हवाई यात्रा अनिश्चित होती है। अगर आप फ्लाइट लेते हैं तो आपको फ्लाइट टिकट आने जाने की 12,000 से लेकर 20,000 के बीच पड़ सकती है। अगर आप रेल द्वारा नेपाल यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो बता दें कि सिरसिरिया नेपाल की एक ऐसी जगह है जो रेल के माध्यम से भारत से जुड़ा हुआ है। सिरसिरिया नियमित कार्गो और यात्रा ट्रेनें चलती है, हालांकि इनमें सिर्फ भारतीय और नेपालियों को ट्रेन में चढ़ने की अनुमति है। अब बात करते हैं भारत से नेपाल बस में कैसे जाए। सिर्फ भारत ही एक ऐसा देश है जहां से नेपाल पहुंचने के लिए बस उपलब्ध है। बस द्वारा नेपाल की यात्रा करने के लिए आप दार्जिलिंग, दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी और पटना से सीधी बस पकड़ सकते हैं। दिल्ली से काठमांडू तक बस द्वारा यात्रा में 30 घंटे लग सकते हैं, लेकिन आप नेपाल जाने के लिए कोई भी व्हीकल का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन आपको वहाँ कितने दिन तक रहना है उसका चार्ज देना होगा। अब बात करते हैं नेपाल में आप कहाँ रुक सकते हैं। आप नेपाल में रुकने की जगह देख रहे हैं तो बता दें कि नेपाल में कई शहरों रिसोर्ट आसानी से मिल जाएंगे, लेकिन हो सकता है कि 5-स्टार होटल से कम रेटिंग वाले होटल आपको रुकने के लिए सही ना लगे, लेकिन उनका बजट कम होता है। नेपाल में रुकने का सबसे खास अनुभव आपको बुद्ध मठों में ठहरकर मिलेगा। अगर आप हॉस्टल गेस्ट हाउस लेते हैं तो आपको 200 से 1000 रुपये के बीच किराया देना होगा। अगर आप होटल बुक करवाते हैं तो आपको 2000 से लेकर 10000 रुपये के बीच होटल मिल जाएंगे। अब बात करते हैं नेपाल में घूमने फिरने की। आप नेपाल में कहाँ कहाँ घूम सकते हैं।
नेपाल में घूमने के लिए बेस्ट जगह है नेपाल की राजधानी काठमांडू, पोखरा, नगरकोट, जनकपुर, लुम्बिनी, पशुपतिनाथ मंदिर, चितवन नेशनल पार्क, भक्तपुर नेपाल, चांगु नारायण मंदिर, स्वयंभूनाथ मंदिर, बंदर मंदिर। यह बात तो हुई घूमने फिरने की, अब बात करते हैं खाने पीने की। नेपाल में खाना बहुत ही सस्ता होता है। अगर आप नेपाल में मिलने वाले भोजन के बारे में जानना चाहते हैं तो बता दें कि यहाँ का स्वादिष्ट भोजन दाल भात तरकारी है। यह मसाले वाली दाल होती है जिसे उबले हुए चावल में डालकर तरकारी के साथ परोसा जाता है। इसके नेपाल में मोमोस, तिब्बतीय ब्रेड और हनी काफ़ी फेमस है। नेपाल में आपको इंडियन खाना भी आसानी से मिल जाएगा। नेपाल में आपको एक समय का खाना 500 से 1000 रुपये के बीच पड़ जाएगा और पानी की एक बोतल आपको 20 रुपये से लेकर 40 रुपये के बीच आसानी से मिल जाएगी। अब बात करते हैं नेपाल की नाइट लाइफ के बारे में। नेपाल में नाइट लाइफ कैसी होती है? नेपाल नाइट लाइफ के बारे में, नेपाल में नाइट लाइफ का मज़ा आप काठमांडू में ले सकते हैं। वहाँ आपको पूरी सुविधाएं मिलेगी। काठमांडू में देर रात तक नाइट शो, बार, पब जोरों शोरों से चलते हैं। नेपाल भी उन देशों में आता है जिसमें नाइट लाइफ का मज़ा आप भरपूर ले सकते हैं। नेपाल की नाइट लाइफ का ज़्यादा मज़ा 11 बजे आता है, उस समय वहाँ भीड़ भी ज़्यादा होती है। काठमांडू में सुबह तक नाइट लाइफ का मज़ा उठा सकते हैं। वहाँ सस्ती बियर भी आसानी से मिल जाएगी। तो वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक करें। नेक्स्ट वीडियो आप कौन से देश पे देखना चाहते हैं वो आप हमें कमेंट करें। धन्यवाद।